हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल टैलेंट इंडिया सेल्फ रन में मैथ के ट्यूटोरियल पे। अभी जो हम सवाल डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है जो हम लोग अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखें। सवाल जो है ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें आगे का पार्ट नहीं दिया हुआ है। हम लोग जनरली 3 टर्म्स यूज करते हैं जब द्विघात समीकरण पे आते हैं, यहाँ पे 2 ही टर्म है तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे 4u। अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ u प्लस 8 बच जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर दूसरा पार्ट ही नहीं है जहां पे हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर पाए। अगर इसको हम मल्टीप्लाई वापस करें तो 4u को u से मल्टीप्लाई करें तो 4u स्क्वायर आ जाएगा, 4u को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8u आ जाएगा। तो हमारे पास जो 2 टर्म निकल के आई वो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब इन दोनों को ही 0 से कंपेयर करना होगा शून्यक निकालने के लिए। तो 4u को अगर 0 से कंपेयर करें तो u बराबर 0 निकल के आएगा और u प्लस 2 को 0 से कंपेयर करें तो u बराबर माइनस 2 निकल के आएगा। तो आपके पास जो 2 शून्यक निकल के आए हैं, एक है 0 और एक है माइनस 2। अब इसका यूज करके हमें सत्यता भी प्राप्त करनी है। तो सत्यता क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, ठीक है। ए बी सी आपको बताया ही है मैंने। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो पड़ा हो, मतलब जो स्क्वायर जिसके ऊपर हो, मतलब जो द्विघातीय हो उसके साथ में जो वैल्यू है वो ए कहलाती है। मतलब मेरा ए जो है वो 4 है। जो एक्स के साथ हो, जो बीच का दूसरा टर्म है, उसके साथ जो होगा वो बी कहलाता है। तो बी जो मेरा 8 है और इस सवाल में सी है नहीं तो सी बराबर 0 है। तो आ गया ये अल्फा प्लस बीटा, मतलब 0 प्लस में माइनस 2 माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी मतलब 8 माइनस में लिखना पड़ेगा और ए कितना है? 4 है, ठीक। तो यहां पे जो रिजल्ट आया माइनस 2 और यहां से अगर इसको काटते हैं तो माइनस 2 प्रूव्ड। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो अल्फा कितना है? 0 है। बीटा कितना है? माइनस 2 है। सी बाय ए, सी कितना है? 0 है और ए कितना है? 4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 में किसी संख्या से भाग लगाएं तो 0। ये भी प्रूव हुआ। तो काफी आसानी से आपको ये सवाल समझ में आ गया और मैं कोशिश किया कि जो जो चीजें हैं वो बता पाऊं और यहां पे सत्यता भी प्रूफ हुई। हमने यहां पर दोनों शून्यक भी प्राप्त किए, एक शून्यक ये था दूसरा शून्यक ये था। और ये थोड़ा सवाल थोड़ा अलग टाइप का था क्योंकि इसमें 2 ही टर्म थे, बाकी जनरली आप 3 टर्म देखते हैं तो काफी आसानी से बन जाता है। तो इसका पैटर्न कुछ थोड़ा अलग था। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया है। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट्स करें ताकि उस चीजों को मैं फिर से समझा पाऊं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और को हेल्प करे तो हमारे इस चैनल को और हमारे वीडियो को लोगों में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो की वजह से कुछ मार्क्स और अच्छे प्राप्त कर पाएं और उनका भी जो स्किल्स है मैथ के लिए वो डेवलप हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टैलेंट इंडिया सेल्फ लर्न।